सबसे पहले फॉग लाइट लगाया हूँ तो मैदा जमे फॉग लाइट की रिस्पॉन्स कुछ अपना इस तरीके से देख पा रहा हूँ। उसके बाद इसमें एलईडी है, देखो भाई ये एलईडी है, क्या बात है, ये देखो कितनी डैशिंग लग रही है। सर अपनी गाड़ी में काम कैसा हुआ है? नहीं ठीक हुआ, बढ़िया काम। अच्छा, इनका जो पार्ट जो लगे हैं वो ओरिजिनल थे कैसे थे? नहीं देख के लिए ओरिजिनल। कैसे हो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ जय ऑटो पे। सामने आप देख सकते हो सबसे बड़ी करोलबाग की शॉप होने वाली है। यहाँ पर आपको एक्सयूवी वगैरह गाड़ियां मॉडिफाई होती है, तो यहाँ के ओनर से आपको मिलवाते हैं। इधर देख सकते हो पूरी करोलबाग की भीड़ में यहाँ पर एक से एक गाड़ी आती है बनने के लिए। कोई सी भी गाड़ी आपको मॉडिफाई करवाना है तो यहाँ पर आप लेके आओ। ठीक है, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। तो सर अपने यहाँ कौन कौन सी गाड़ी मॉडिफाई होती है? अपने पास बेसिकली महिंद्रा की गाड़ी होते हैं। अच्छा। और जो सबसे ज्यादा मेन होता है एक्सयूवी 700 होता है, स्कॉर्पियो क्लासिक होता है, स्कॉर्पियो एन होता है, एक्सयूवी 300 होता है। अच्छा, महिंद्रा की आप सब गाड़ी करते हो? महिंद्रा की 4-5 जो गाड़ी है, महिंद्रा की जो भी गाड़ी है वो भैया मॉडिफाई करते हैं। जो भी नहीं महिंद्रा करते, कोई भाई अगर महिंद्रा करवा के गए हुए अपनी कोई और भी गाड़ी ले रहे तो आ सकते हैं। अच्छा, वो आ सकते हैं। तो अभी अभी कौन सी गाड़ी हो रही है अपने एक्सयूवी? अभी जो सेटअप है दोनों एक्सयूवी 700 की है, दोनों व्हाइट कलर की है। ठीक है, अपना X5 मॉडल है और ये अपना X5 सेलेक्ट मॉडल है। ठीक है, ये एक्सयूवी मॉडिफाई हो रही है, अभी इसमें क्या काम हो रहा है सर? काम की बात पे आते तो सबसे पहले देखो इसमें मेन जो अपना अलॉय है, अलॉय पड़ रहा है। स्टॉक इसमें एक साइड सेलेक्ट में रीम आता है, रीम एक्सचेंज करके इसमें 17 इंच जो महिंद्रा का जो जन्म इसमें अलॉय आता है, इसमें अलॉय डल रहा है। ठीक है, अभी लगने के बाद मैं दिखा दूंगा। उसके बाद इसमें एक साइड फुटरेस लगा है जो मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें बहुत सारे डिजाइन होते हैं, 5500 रुपए से स्टार्टिंग होता है फुटरेस की। फुटरेस की स्टार्टिंग 5500 रुपए, 5500 रुपए स्टार्टिंग होता है। अपने महिंद्रा जनवे मिल जाता है, बाकी बहुत सारे रेंज मिल जाता है। ठीक है, तो आपके सामने एक इसमें साइड मिरर फोल्डिंग करवा सकते हो जो इसमें स्टॉक है। ठीक है, तो एक फोल्डिंग करवा सकते हो। बाकी अंदर क्या क्या काम हुआ है इसमें? देखो अंदर की बात करें तो देखो सबसे पहले आपको डोर खोलते मैं आपको दिखाऊंगा सीट कवर। सीट कवर पूरी लग्जरी में जो टॉप मॉडल में पूरी जो प्रॉपर सीट कवर आते हैं वही सेम डिजाइन सेम पैटर्न है, सेम इसमें फिटमेंट दिया गया हुआ है। ठीक है, सेम सीट कवर डाले हैं आपने? सेम सीट कवर। और टच स्क्रीन की बात करें तो इसमें स्टॉक में आता है। अच्छा, इसमें आता है, बिल्कुल इसमें आता है। इसमें फ्लोरिंग हुआ है, देख पा रहे हो? ये फ्लोरिंग हुआ है। ठीक है, इसमें फ्लोरिंग होता है प्रॉपर, जो वाटर प्रॉपर। सीट कवर का क्या कॉस्ट आई है, क्या खर्चा आया इसमें? सीट कवर की प्राइसिंग की बात करें तो इसमें जो भी लगा है मैक्सिमम टॉप मॉडल वाले सीट कवर है, इसकी प्राइसिंग 16,000 रुपए की है। आप आगे स्टार्टिंग प्राइसिंग की बात करो तो 8,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाए, 8,000 रुपए से स्टार्टिंग, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक 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 है। इन सीट कवर की 5 साल की वारंटी होते हैं। सीट कवर की आप फिनिशिंग देख सकते हो गाइस कितनी बढ़िया होने वाली है। ठीक है, इधर देखो सामने बिल्कुल प्रॉपर कंपनी की तरह सीट कवर की फिनिशिंग दी है इन्होंने। ठीक है, और इनकी शॉप होने वाली है जय ऑटो के नाम से, करोलबाग के अंदर जय ऑटो के नाम से। हाँ, अभी फिलहाल दो एक्सयूवी इनके यहाँ आई है बनने के लिए, दोनों मॉडिफाई हो रही है। दो नहीं है तो 3-4, बाकी पार्किंग में भी एक दो होकर चला भी गया हुआ। अच्छा, है चला भी गया। बाकी इसमें स्टीयरिंग कवर की बात करें, देख पा रहे हो कि इसमें मून डिजाइन में स्टीयरिंग कवर खुला गया हुआ है। स्टीयरिंग कवर भी बेहतरीन तरीके से फिट करा गया है इसमें। बाकी और फ्रंट की बात जाता है तो आ जाइए मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको स्टॉक हेडलाइट अपना नॉर्मल आते हैं, जो एक इसमें डीआरएल वाली नहीं होते, तो उसके लिए अपना हेडलाइट चेंज किया गया हुआ इसमें। अच्छा, उतरा हुआ हेडलाइट आपको इस तरीके से यहाँ पे रखा जाता है, देख पा रहे होंगे उतरा हुआ हेडलाइट। ये हेडलाइट होते हैं जो अपना बेस मॉडल के हेडलाइट में कुछ अपने डीआरएल नहीं आते। ठीक है, वो डीआरएल की वजह से हेडलाइट इसमें चेंज किया जाता है। अच्छा, हेडलाइट दूसरी लगी है। हेडलाइट की कॉस्टिंग क्या आ रही है? हेडलाइट की कॉस्टिंग इसमें 26,000 रुपए की है। 26,000 रुपए की है, क्या बात है, कॉस्टिंग है। उसके बाद इसमें देखो फॉग लाइट कुछ अपना इस तरीके से आता है। अच्छा, ये फॉग लाइट निकाली है आपने? फॉग लाइट लगाया गया हुआ देख पा रहे हो, फॉग लाइट लगाई गई है, क्या बात है, दोनों तरफ लगाई गई है, ये देख सकते हो दोनों तरफ फॉग लैंप लगाई गई है। जो महिंद्रा की जनरल फॉग लाइट है, महिंद्रा जनरल हेडलाइट है, कोई कोई आफ्टर मार्केट चीजें नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें स्टॉक बीम की बात करें तो इसमें हेलोजन आता है, इसको इसको रिमूव करके इसमें दोनों बीम में एलईडी डाला गया हुआ है। एलईडी दोनों में लगाया गया आपने? ठीक है, बाकी इस वाले गाड़ी की बात करें तो अभी कुछ अपना स्टार्टिंग होने वाला है तो इसका मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, बाकी गाड़ी कम्प्लीट होने के बाद मैं आपको एक एक करके दोबारा मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो दोस्तों ये देख सकते हो आप गाड़ी जो है कंप्लीट हो चुकी है। इधर देख सकते हो महिंद्रा के जेन्युइन अलॉय इसमें फिट करे गए हैं और आप देख सकते हो बिल्कुल महिंद्रा के होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें साइड फुटरेस वगैरह सारी चीजें लगी हैं इस गाड़ी में, और पीछे की ये भी लगा है बम्पर, ये भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये पूरी गाड़ी मॉडिफाई हुई है अभी भैया ने करी है, और अभी हम भैया से पूछ रहे हैं अंदर इनके, देख सकते हो शॉप के अंदर आ चुके हैं, क्या क्या सामान इनके पास मिल जाता है ये देख सकते हो। देखते हो ये लाइट बिल्कुल चालू हो चुकी है एक्सयूवी में जो लगी थी। ठीक है, एलईडी आप देख सकते हो, नीचे फॉग लैंप भी जल रहा है सामने। सबसे पहले फॉग लाइट लगाया हूँ तो महिंद्रा जमे फॉग लाइट की रिस्पॉन्स कुछ अपना इस तरीके से देख पा रहा हूँ। उसके बाद इसमें एलईडी है, देखो भाई ये एलईडी है, क्या बात है, ये देखो कितनी डैशिंग लग रही है भाई लाइट। ठीक है, बिल्कुल
बाकी इसमें काम अपना कंप्लीट हो गया। और हेडलाइट की बात करें तो अपना जो टॉप मॉडल में जो डियर वाली हेडलाइट है वही अपने डियर वाली हेडलाइट है, फॉग लाइट है, बाकी फ्रंट से ऑलमोस्ट सारे चीजें सेम ही आता है। बाकी मैं आपको दिखाई रखा हूँ फुटरेस्ट, बाकी अंदर की इंटीरियर में दिखा रहा हूँ। अब मैं सर अपनी गाड़ी में काम कैसा हुआ है? नहीं ठीक हुआ, बढ़िया काम। अच्छा, इनका जो पार्ट जो लगे हैं वो ओरिजिनल थे कैसे थे? नहीं देख के लिए ओरिजिनली ओरिजिनल पार्ट थे सर। और रेट इनका कैसा था? रेट जेन्युइन था, जेन्युइन रेट है। अच्छा, मतलब हाफ सर्टिफाई हो इनके रेट से संतुष्ट। कितने तक का आपने एक्सेसरी लगवाई है? 1 लाख रुपए के समथिंग का काम। 1 लाख रुपए समथिंग मतलब काम हुआ है, मतलब सीट कवर वगैरह और सारा मतलब लगा इसमें और बिल वगैरह सब लगवाया आपने? क्या बात है। अपने यहाँ ये सामने मैं देख पा रहा हूँ सारी जेन्युइन एक्सेसरीज लगी है ना, महिंद्रा की? महिंद्रा। अच्छा, महिंद्रा का सारे जेन्युइन पार्ट लगते हैं? अच्छा, तीनों वाले के पार्ट होते हैं, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एक्सेसरी 700, बाकी और में सारे गोडाउन में रखे होते हैं। सारा गोडाउन में होते हैं, सामने देख सकते हो सब तरीके के इनके पास पार्ट होते हैं। और इधर भी देख सकते हो स्पीकर वगैरह सारे कंपनी के होते हैं, स्पीकर होते हैं, एंड्रॉइड होते हैं, बाकी इसमें एलईडी के बहुत सारे। एलईडी हर तरीके की होती है अपने पास? तरीके के होते हैं। एलईडी की प्राइस मैक्सिमम। ये कौन सी गाड़ी का है? 1700 के लिए है। अच्छा, ये पूरा सिस्टम होने वाला है जो बेस मॉडल के लिए लगता है? अच्छा, बेस मॉडल के लिए लगता है। इसका कितना प्राइस रखा है आपने? इसमें भी कई रेंज है, 20,000 रुपए से स्टार्टिंग होता है। 20,000 से स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग। क्या बात है। अच्छा, डायमंड 2K वगैरह ये सब मिलते हैं अपने यहाँ? हाँ, सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ डायमंड। ये देखो भाई, ये कितने का आ जाता है लगभग? डायमंड 2K जो स्क्रीन है तो मैक्सिमम 7,500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाते हैं आज के टाइम में। ठीक ठीक। बाकी उसकी जो एंड है 16,000। और ये जो क्रोम वगैरह लगाते हो सारी ओरिजिनल लगाते हो आप? गैलियो की है, जो अपने शॉप पे जो भी विजिट करता है कस्टमर, देखो कोई भी गाड़ी के सामान लेने जैसे स्कॉर्पियन हो गया, क्लासिक हो गया, जो भी सामान मिलेगा वो ओरिजिनल ही मिलेगा। ओरिजिनल ही मिलेगा सारा ब्रांडेड। क्या बात है। तो अपनी ये शॉप का नंबर कितना है सर? देखो ये अपना दुकान जो अपना टोलवा में पड़ता है जो कि अब्दुल अजीज रोड पे है, और शॉप का जो नंबर है अपना 10,158 है। ठीक है। बाकी मेरा फोन नंबर 9711778551 है। अच्छा, आपको अगर एड्रेस नहीं मिलता है शॉप का तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पे कॉल कर सकते हो आप, एड्रेस आपको यहाँ पे लेकर आएंगे भैया। इनका नियर बाय मेट्रो स्टेशन कितना है सर? करोलबाग नियर बाय मेट्रो स्टेशन भी है, झंडे वालन भी है, बट मेन करोलबाग है। अच्छा, झंडे वालन भी पास में है, बाकी नियर बाय बीकानेर है। बीकानेर भी है। ठीक है। तो यहाँ पर आके सारा सामान लगवा सकते हो गाड़ी में। यहाँ पर एक्सयूवी महिंद्रा की और कौन कौन सी होती है? देखो 700 है, स्कॉर्पियो क्लासिक है, स्कॉर्पियन है, 3XO है, 300 है, थार है, इन सब के लिए। महिंद्रा की ज्यादातर करते हो आप? महिंद्रा के होते हैं, बट अगर कोई हमारे से कस्टमर करवा गए वो महिंद्रा गाड़ी, तो अगर कोई अगर रिलेटिव में और भी गाड़ी कोई ले रहे हैं तो आप आ सकते हैं। आ सकते हैं। क्या बात है।